हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लॉल्स की तरह हाई किल्स कैसे निकाल सकते हो। और बेसिकली यार थोड़ी बहुत एनालिसिस वीडियो होने वाली है। और मैंने भाई कल की वीडियो में बोला था कि किसी को गुप्त रोग की बीमारी है तो नीचे कमेंट करो। और मैं तो जस्ट मतलब देख रहा था भाई, सर्वे कर रहा था कि कितने लोगों को गुप्त रोग की बीमारी है। मेरे कमेंट सेक्शन में भर दिया तुम लोगों ने, लगा नहीं था मेरे को इतने लोगों को होगी। बाकी एनीवेज अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है यार, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। तो वीडियो में बेसिकली बताऊंगा कि लॉल्स हाई किल कैसे करता है और किस तरह से खेलता है, ठीक है। एनालिसिस करते हैं। मोस्टली मैं रिएक्शन वीडियो जो बनाता हूँ लॉल्स भाई पे, पर लेट्स सी आज। तुम एक चीज नोटिस करो, देखो बंदे का साउंड आया, आवाज बढ़ाता हूँ, ठीक है। इधर लॉल दो तीन की इधर। नाइस वन। ये बिल्डिंग में वाच आउट। बजा दिया। ओ हेड लगा उसको। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो भाई, लॉल्स नहीं बता रहा है कि मैं किधर रश कर रहा हूं या कितने बंदे हैं या क्या सीन है। अभी देखो राइट से साउंड आया भाई, पहले राइट से साउंड आया रिलोड करने का, फिर लेफ्ट से साउंड आया हील करने का। दोनों बंदों की पोजी पता चल गई, दोनों को एक एक करके मार दिया। वेरी गुड, नोटिस कर रहे हो। अगर हाई किल चाहिए ना तुम्हें तो भाई ज्यादा, अगर तुम हर बार अपने टीममेट्स को बोलोगे कि आओ मेरे साथ आओ मेरे साथ, भाई वो मार देंगे, वो आगे बढ़ के मार देंगे। या फिर तुम उनको अगर सोचो कि तुम बेट करोगे उनको तो भी वो आगे बढ़ के मार देंगे, तुम्हें नहीं मिलने वाला किल्स। बट यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, लॉल्स नहीं बता रहा है भाई कौन किधर है क्या है। भाई घुसना है तो घुसना है, मारना है और हर बार सबसे आगे। अभी देखो स्टेयर्स पे मौली है, पुश करना है, बट लॉल्स सबसे आगे। ये देखो ये आग लगी, उसके बाद हील किया क्या? हाँ ये देखो आग लगी, हाफ एचपी हो गई, उसके बाद हील किया फिर पुश किया। पर इतनी देर तक टीममेट रुके रहे थे क्या? मतलब मैं अगर लो जाता तो मैं हील करता बैठ के, तो मेरे टीममेट घुस के मार देते। टीममेट्स भी हेल्प करते भाई। तो भाई मेरे हिसाब से तो अगर तुम्हें हाई किल चाहिए ना तो तुम्हें आगे रहना चाहिए। बंदा मेरे पे, लॉल्स ने बोला बंदा है मेरे पे, ठीक है। पर लॉल्स ने वेट नहीं किया ये बोल के, सीढ़ियों पे जाके एक फिनिश डाल दिया। और दूसरे की भी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। बात तो है भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको हाई किल चाहिए तो थोड़ा आगे रह के खेलना पड़ेगा ताकि आपके टीममेट्स किल ना ले लें, ठीक है। हर बार पहले घुसना पड़ेगा, प्लस तुम्हारा थोड़ा आईक्यू और गेम सेंस भी होना चाहिए ऑब्वियसली भाई। ऐसी बात नहीं कि लॉज घुस के मार देता है तो तुम भी मार पाओगे भाई। बंदे के पास आईक्यू और गेम सेंस दोनों है, कहाँ नीड करना है, कहाँ पे मॉली करनी है, क्या करना है, कितनी देर में पुश करना है, सब कुछ। अभी देखो उस बंदे पे नीड किया, ठीक है। अब क्या किया? ओके, मतलब पुश करके नहीं मारा, जाके मैं होता ना जाके उसको मार के आता, बट और कहीं से भी पड़ सकती है, बंदे आसपास बहुत सारे हैं तो इसलिए मॉली करके फिनिश कर दिया भाई। दोनों काम सही है। मगर भाई ऊपर से मार सकते हो क्या किसी घर से? उसका ध्यान कहीं और था बेचारे का। मैं आ नहीं सकता, मेरे भाई फंसा हुआ हूं मेरी जगह पे। निकल जा, रिकॉल है। ओ भाई क्या एम ट्रांसफर है भाई। ये बात तो है, अगर तुम किल लेने के लिए आगे जा रहे हो ना तो तुम्हें बंदों को मारना भी आना चाहिए। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या स्कैम चल रहा है? रुको जरा, सबर करो। हाई किल्स के लिए इनका भी बहुत बड़ा हाथ है भाई। इसकी माँ का घोसला। अगर तुम्हें बॉट मारना है ना तो एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। जब भी तुम कहीं लैंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम पोचिंग की लैंड कर रहे हो, गटका लैंड कर रहे हो, यसनाई लैंड कर रहे हो, कोई भी तुम्हारी फेवरेट लोकेशन पे तुम लैंड कर रहे हो, वो देखो सामने से फुल कवर दे रहा है भाई, पर लॉल्स एक्सपोज ही नहीं हुआ। हाँ तो यहाँ अगर लोकेशंस पे लैंड कर रहे हो ना तो जो भी आसपास घास होती है, घास में मतलब गार्डन वार्डन जो भी होता है यार, उसमें बंदे ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, उसमें बॉट ज्यादा मिलेंगे। तो अगर तुम कहीं ऐसी जगह पे लैंड कर रहे हो तो घास की साइड थोड़ा ध्यान रखना, वहां पे बंदे ज्यादा मिलते हैं, बॉट ज्यादा मिलते हैं यार। रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट से साउंड आ गया, लेफ्ट से साउंड दिया उस बंदे ने, नेड की पिन खींची। मेरे पास
ओ भाई साउंड तो अरे मार देना ऐसे टाइम पे टीममेट्स की जरूरत पड़ती है। वैसे वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा लॉल्स अभी तक एक बार भी मरा नहीं है, मरता तो वापस आ जाता रिकॉल से। छोड़ूंगा एक, रेडी रहना भागने के लिए। चल फटा। नाइस नॉक एंड पुश भाई, अपना जो नॉक है वो रिवाइव नहीं होना चाहिए, इतनी फास्ट पुश करो। अगर तुमने कहीं नॉक कर दिया अपने टीममेट को बोलो कुछ भी करो पर पुश करो। अरे क्या कर रहे हैं तू, मजाक है क्या भाई? वो बेचारा उठा के भाग रहा है, उसको उधर ही क्यों नहीं रिवाइव दिए, उसको उठा के इधर क्यों ला रहा है? भाई थ्रोएबल्स देख रहे हो कितने सारे हैं। अरे वो जल गया, किसी और ने बॉडी करी है। फिर भी फट गया, व्हाट द भाई, वो तो पीछे चला गया था ना, ये नेट तो हवा में फटेगा। अच्छा एक और चीज, अगर तुम उनमें से हो जो पीछे रह के भाई कवर देना पसंद करते हो तो भाई तुम्हारे किल नहीं होने वाले, सीधी सी बात है। तुम अगर पीछे रह के, ये देखो भाई नीचे से मौली करके खुद ही पहले पुश कर दिया, तुम अगर पीछे रह के कवर देने वालों में से नहीं मिलेंगे किल भाई, तुम पीछे से कवर ही देते रह जाओगे, सामने वाला किल ले जाएगा, ऐसा ही होता है हर बार। तो थोड़ा सा आगे घुस के खेलना पड़ेगा अगर तुम्हें किल चाहिए तो। तो सिंपली लॉल्स का फंडा यही है कि जितना ज़्यादा आगे जाके खेलोगे उतना किल्स मिलेंगे, और थोड़ा बहुत स्किल्स मैटर करता है, क्योंकि भाई लॉल्स के पास तो स्किल है, तुम्हारे पास भी होंगे तभी किल मिलेंगे। मारना भी तो आना चाहिए ना बंदे को, आगे घुस के तुम मार ही नहीं पाए फिर। अभी देखो वो बंदा आगे चला गया, ठीक है। अब लॉज पता क्यों बोला स्लैम दे स्लैम दे, क्योंकि एक नॉक किया ना जो वो किल चोरी ना हो जाए भाई। ही इज अ ट्रू प्लेयर पता है। मैं ऐसे ट्रू प्लेयर इससे बोल रहा हूँ क्योंकि लॉज को है ना एवरी मतलब पोजीशन पता है, कहाँ प्री फायर देना है, कहाँ पे बंदे लेटे हो सकते हैं भाई, वो सारी चीजों का नॉलेज पता है कैसे आता है, ज्यादा गेम खेलने से, ज्यादा गेम खेलने से गेम सेंस बढ़ता है। और जब तुम्हें पता होगा कि भाई बंदे लेट हो सकते हैं, लॉबी का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉबी खेल रहा हूँ जिसमें मुझे स्टार्टिंग में ना बहुत हार्ड बंदे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ज्यादा बंदे लेटे हुए नहीं होंगे, बंदे अच्छे हैं लॉबी में तो पॉसिबली किसी घर पे या किसी जगह पे गाड़ी वाड़ी लेके घूम रहे होंगे, राइट। पर स्टार्टिंग में तुम्हें पता चल जाएगा अगर कि भाई इतनी ज्यादा हार्ड है, इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा तगड़ी लॉबी नहीं आई है, बंदों को मारना हल्का सा इजी लग रहा है, तो मोस्ट ऑफ टाइम बंदे लेटे हुए मिलते हैं भाई, तो तुम्हें ये चीजों का अंदाजा होना चाहिए और वो ज्यादा गेम खेल कर आएगा। बॉट ने किल चुरा लिया या किसी और ने किल चुरा लिया? हाँ टीममेट हेल्प कर रहे भाई, देख रहे हो इतनी देर में तो मेरे टीममेट भाई किसी को भी नहीं छोड़ते। हाँ नाइस रे, एक चीज तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें हाई किल चाहिए ना तो तुम रैंडम्स के साथ खेल सकते हो जाके भाई। अगर तुम रैंडम्स के साथ खेलोगे और उनको बेट करोगे या उनको साथ में लेके घूमोगे तो तुम्हें हाई किल्स मिल सकते हैं, जैसे जॉनी करता था या फिर स्काउट करता था भाई, दोनों दोनों रैंडम्स में जाके हाई किल्स कर पाते हैं, क्योंकि भाई रैंडम्स इतना नहीं मार पाते समटाइम्स, और तुम्हें कवर पूरा देंगे, तुम्हें रिवाइव भी दे देंगे कई बार अगर अच्छे मिल गए तो। बट पॉइंट ये है कि तुम उसके साथ में उतरो, चाहे वो रोजो को उतर रहे हैं चाहे वो कहीं भी उतर रहे हैं, रैंडम्स के साथ उतरना पड़ता है भाई, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर देती है। बाकी सब लोग फिर हाई हॉट ड्रॉप पर उतर के मर जाते हैं, तुम रैंडम के साथ रोजॉक में पड़े रह जाओगे, बट जल्दी से जल्दी तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा अगर आई किल्स चाहिए तो। सो या अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कोई भी गुप्त रोग हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करना भाई, इस बार तुम कमेंट में कर देते हो ना मैसेज तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।